इंग्लिश के सर थे मेरे, और हम लोगों को कोई ड्राइंग का काम करना था और उसके बाद हमने उसकी पोयम लिखनी थी। मैंने वो लिख के अपने सर को कहा कि ओके सर मैंने लिख दिया, मैं जाऊँ अपने स्पोर्ट्स के लिए। तो माय सर वाज लाइक अच्छा एक मिनट वेट करो। एंड देन उन्होंने सबके देखने के बाद कहा लीना आपके अंदर तो इतना अच्छा टैलेंट है, आप तो इसको यूटिलाइज करो। एंड वो टीचर थे जिन्होंने मुझे पुश किया अबाउट कि नहीं तुम स्पीचेस में भी जाओ, यू शुड डू दिस और ये भी करो। सो आई फील लाइक कि दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग्स जो मेरे दिमाग में आती है अगर मैं देखूँ कि एक टीचर ने मुझे किसी सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट किया। जिस टीचर की वजह से मैं इंस्पायर हुई, और वो सब्जेक्ट तो है पहले मैथ से, और मैं इंटर जो है मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स मुझे समझ में आता था बस नंबर्स की हद तक। लेकिन जब मैंने उन टीचर से पढ़ा था तो मैथ्स जो है रियल लाइफ से रिलेटेड होने लगा मेरे लिए, तो मुझे वो और इंटरेस्टिंग लगने लगा, मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बहुत क्लियर होने लगे। तो उसके बाद से मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी क्लास में मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स आने लगे, और जब मैंने टीचिंग भी स्टार्ट की तो मैंने कहा मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। ग्रेड सिक्स में जो वो मेरे टीचर थे वो एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने वाकई ही मेड मी फॉल इन लव विद मैथ। कि किस तरह उन्होंने मुझे व्यू कराया कि ये काम नहीं एक पज़ल है, किस तरह उन्होंने मुझे ये एसोसिएशन दिखाई कि हम ज़िंदगी के हर काम में हर दिन कितनी कितनी जगह मैथ को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे लिए एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा बना दिया कि आई लुक्ड फॉरवर्ड टू नॉट ओनली हिज क्लास बट ऑल्सो द सब्जेक्ट इन जनरल। वो बहुत पज़ल बना के और बहुत ही आपको वन टू वन तफरी के तौर पे जो है उन्होंने हमें मैथ से सिखाई। उन्होंने सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसको सीखने के लिए मैथ पढ़ाई। सो आई थिंक दैट वाज वन इंस्टेंस। सो इट वाज इन कॉलेज जब मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी, और वही बात है कि शी वाज अ गुड टीचर बट शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट। हर दफ़ा ना डांटना कोई फार्मूला लिखती थी, और ऑब्वियसली उनको समझाना भी नहीं आता था ऑनेस्टली। एंड वो यही कहती थी कि बस रट्टा मारो या, और वो कहती थी कि मुझे सुनाओ। अब जो नहीं सुना पाता तो उनको वही होती थी कि पिटाई होती थी, और वो वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो वो टाइम था जिससे मुझे सब्जेक्ट से नफरत हो गई। When I was in seventh grade, तो मेरे मैथ्स के एक सर थे जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, एंड लाइक प्रॉपर स्ट्रिक्ट थे। ही यूज़ टू हिट अस एंड ऑल। मतलब आई वॉज नेवर दैट गुड एट मैथ्स, लेकिन उन्होंने तो उस सेवन्थ के बाद आई वुड से कि मैं अगर एवरेज था मैथ्स में तो आई जस्ट वेंट बिलो एवरेज। उन्होंने बस बेड़ा गर्क कर दिया था मेरी मैथ्स का। अगेन आई वुड से कि नाइन और मैट्रिक में मेरी इस्लामिया की टीचर थी, एंड शी वाज लाइक द स्ट्रिक्ट, और बिल्कुल ना हंसने वाले, हंसमुख बिल्कुल भी नहीं, और गुस्से की नज़रों से देखने वाले, वो बिल्कुल वैसी थी इस्लामिया की। और वो इतना मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाती थी कि इस्लामिया से बिल्कुल ही मेरा दिल हट गया था।